इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं फ्रेंड्स कि आप दोस्तों वन प्लस नॉट सी थ्री लाइट 5G मोबाइल फोन में आप किसी भी ऐप का नोटिफिकेशन बैनर आप दोस्तों ऑफ कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले देखिए नोटिफिकेशन बैनर का मतलब क्या होता है। तो देखिए अगर आपको किसी ऐप से नोटिफिकेशन आता है तो ऊपर देखिए दोस्तों स्क्रीन पर इस तरीके से बैनर बनकर आ जाता है और जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये पूरी तरीके से यहाँ पर ओपन हो जाता है। तो इसी को कहा जाता है बैनर। तो आप किस किस ऐप का इसको बंद करना चाहते हैं या किस किस ऐप का ऑन रखना चाहते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको जाना होगा वन प्लस नॉट सी थ्री लाइट 5G मोबाइल फोन के सेटिंग में जाकर नीचे आना है। नीचे नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करिएगा। इसमें बैनर का ऑप्शन मिलता है, बैनर पर आप क्लिक करिए और यहाँ से आप किसी भी ऐप का बैनर आप बंद कर सकते हैं या चालू कर सकते हैं। देखिए अगर यहां पर इनमें से किसी भी ऐप का बैनर बंद करना है तो बस उसके साइड में उस सेटिंग को ऑन कर दीजिएगा, बंद कर दीजिएगा। मुझे क्रोम का बंद करा है तो क्रोम को वाला सेटिंग बंद कर देंगे। इसी तरीके से मान लीजिए घर में जीमेल का बैनर बंद करना है तो हम यहां जीमेल पर क्लिक कर देंगे तो इसका बैनर बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बंद कर सकते हैं। और चालू करना है तो यहाँ देखिए नोटिफिकेशन ब्लॉकेड में वो सारा ऐप आ जाएगा जिसका बैनर बंद होगा। तो जिस भी ऐप का चालू करना है एक बार आप उस पर क्लिक करिएगा, फिर उसका अलाउ नोटिफिकेशन वाला सेटिंग यहाँ पर क्लिक करके ऑन करिएगा तो ये बैनर वाला इसमें चेक हो जाएगा, और चेक नहीं होता है तो चेक कर दीजिएगा तो फिर हो जाएगा। फिर किसी ऐप का और ऑन करना है तो उस ऐप पर आप क्लिक करिएगा, अलाउ नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा, ये बैनर वाला अगर अनचेक रहेगा तो चेक कर देना है तो उसका बैनर ऑन हो जाएगा। इस तरीके से आप दोस्तों किसी भी ऐप का नोटिफिकेशन बैनर ऑन या ऑफ कर सकते हैं अपने वन प्लस के मोबाइल में। वीडियो पसंद आया है लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।